रीड किया था, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं एनसीईआरटी सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, ठीक है, आप ध्यान से करना। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों चाहिए होता है? और ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम देयर लाइफ प्रोसेसेस, क्या होता है? सभी ऑर्गेनिज्म को लाइफ प्रोसेस करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी, ठीक है। तो क्या होता है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड अक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सॉयल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो क्या होता है, प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? सॉयल से लेते हैं, एयर से लेते हैं, वाटर से लेते हैं और सनलाइट से लेते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स नीड टू गेट फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू अपटेन न्यूट्रिएंट्स। हिंस एनिमल्स नीड टू टेक फूड टू अक्वायर न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी। क्या मतलब हुआ, प्लांट्स को भी फूड चाहिए, ठीक है, वो सॉयल, एयर, वाटर एंड सनलाइट से विद द हेल्प ऑफ ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और एनिमल्स को फूड चाहिए, एनिमल्स कहाँ से फूड लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स एनिमल्स से भी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब फूड लेते हैं एनिमल्स को भी एनर्जी मिलती है, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं और ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। मैंने आपको बोला था पैरासाइट और सैप्रोफाइट के बारे में, ठीक है। तो हम एक एक करके इनके डिफरेंसेस देखते हैं। तो फर्स्टली सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? अक्वायर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। क्या करते हैं ये, अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड मैटर से, ठीक है। ये अपना जो भी फूड चाहिए होता है वो डेड मैटर से लेते हैं, ठीक है। पैरासाइट इज लिव ऑन और इन होस्ट एंड गेट इट्स फूड एट एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। क्या होता है पैरासाइट्स दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो दूसरे होस्ट से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैप्रोफाइट की क्या लिखोगे आप? फंगी। और पैरासाइट की क्या लिख सकते हो? लाइसिस भी लिख सकते हो, राउंडवॉर्म भी लिख सकते हो, क्योंकि जो लाइसिस होती है वो फूड लेती है हमारे हेयर से, ठीक है, होस्ट से लेती है ना दूसरे से। तो पैरासाइट की एग्जाम्पल आप लाइसिस भी लिख सकते हो। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट टू क्वेश्चंस। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अब कैसे देखोगे वी स्टार्च में, लीव्स में स्टार्च है या नहीं? इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करना होगा, टेक टू पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। आपको टू प्लांट्स लेना होगा, ठीक है, पोट करना होगा उसके सेम काइंड का। कीप वन इन डार्क फॉर 72 hours एंड अदर इन सनलाइट। एक को आपने 72 hours के लिए रूम में रखना है, डार्क प्लेसेस में रखना है, और दूसरे को सनलाइट में। देन परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज गिवन बिलो। क्या करना है, दोनों लीव्स के साथ आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। नाउ लीव्स द पॉट विथ विच वॉज अर्ली किप्ट इन डार्क अनडिस्टर्ब फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। क्या करना है इसमें, देखिए आयोडीन टेस्ट में आपको आयोडीन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसको लीव्स के ऊपर डालना है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट किप्ट इन सनलाइट विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो हमने सनलाइट में रखा था प्लांट, ठीक है, उसका लीव्स लिया, उसके ऊपर आयोडीन डाला, ठीक है, आयोडीन डालने के बाद क्या हो गया, उसके ऊपर ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंसी ऑफ स्टार्च, वी इस प्लांट में, इस लीव्स में प्रेजेंसी ऑफ स्टार्च है, क्योंकि इसको ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेटर हुआ। नेक्स्ट वन, ब्लू ब्लैक कलर विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट
kept in dark room. This indicate the absence of starch. इसमें क्या है, आप ब्लू ब्लैक कलर जब दूसरे प्लांट पे डालोगे जो हमने डार्क रूम में रखा था उसके लीव्स पे डालोगे तो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं ऑब्टेन होगा, आप बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो क्या बोलेंगे हम, एब्सेंस ऑफ स्टार्च. सनलाइट में रखा होगा जो प्लांट, ठीक है, उसके लीव्स के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर शो होगा जब आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें स्टार्च इंडिकेट होगा. जब जो प्लांट डार्क रूम में है वो स्टार्च, उसमें स्टार्च नहीं होगा, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट नहीं करेगा, वो आयोडीन टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा. आपको समझ आ गया थर्ड क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन वन, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करनी है ग्रीन प्लांट्स में. ऐसे भी आ सकता है आपको प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने. ग्रीन प्लांट्स यूज ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट जो प्रोसेस फॉलो करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है. टू प्रिपेयर देयर फूड दिस प्रोसेस इज एज फॉलोज. ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स फॉलो करती है, हम रीड करते हैं वन बाय वन कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करती हैं. वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इट ट्रांसपोर्ट टू लीव्स ऑफ द प्लांट. क्या करती हैं, रूट्स वाटर लेती हैं, प्लांट्स की रूट होती है जो हम वाटर प्लर रूट्स में डालते हैं ना, एंड ट्रांसपोर्ट करती है वो लीव्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंटर द लीव्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, हमने बोला था ना फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंटर द लीव्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. पोर्स के द्वारा जो लीव्स की जो पोर्स होती है स्मॉल स्मॉल, ठीक है, स्टोमेटा बोलते हैं उसको, उनमें क्या होती है, एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, ठीक है. दिस डिफ्यूज द सेल कंटेनिंग क्लोरोफॉर्म. देन वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होते हैं ना, हम बोलते हैं हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू मिलती है हमें, ठीक है. नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. तो क्या हो जाता है, फूड परफॉर्म हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है. फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, ठीक है. आप ये इक्वेशन के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो कर सकते हैं. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों ने रिएक्ट किया, सनलाइट पड़ी ऊपर तो क्या फॉर्म हुआ, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ठीक है. आप ये प्रोसेस लिखोगे फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, सनलाइट पड़ी ऊपर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म, ठीक है. नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप ऐसे स्केच कर लो, आप इसको शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. ये आपने ध्यान से देखनी है डायग्राम, स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान से देखो, ठीक है. अगर कुछ ना समझाए कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना. नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं हम, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड. जो मैंने येलोश किया हुआ है ना नीचे, वो फिल इन द ब्लैंक है. तो क्या पूछा हुआ है हमें, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप फिल करोगे ना, सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स का क्या होते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं,
ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। वैसे तो आप बोलोगे हम भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम लेते तो प्लांट्स से है ना, खुद थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ग्रीन प्लांट्स खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट दूसरी हमारी है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश। तो क्या है हमारा इसमें, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो क्या क्या होगी फिल इन द ब्लैंक, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड डैश। तो क्या होगा इसमें, मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर में, ठीक है, तो क्या फिल करोगे, क्लोरोफाइल। नेक्स्ट डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। मैंने आपको बोला था ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जब, तो क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, अपना फूड बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जो वाटर में वाटर से रिएक्ट करती है और क्या होता है, रिलीज ऑक्सीजन। देखिए लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड टेक किया वाटर, ठीक है, रिएक्ट किया और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन फॉर्म, वही इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। आपको क्लियर होगी जी फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के आंसर है, नेम द फॉलोइंग्स। द फर्स्ट, ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टीम। क्या होता है, एक पैरासिटिक प्लांट होता है, ठीक है, उसका कलर येलो होता है, सिलेंडर एंड ब्रांच स्टीम, उसकी सिलेंड्रिकल और ब्रांच स्टीम्स होती है, तो कौन सा प्लांट बोलते हैं उसे, कैस्किटा। ठीक है, कैस्किटा बोलना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉपिक। एक प्लांट का नाम बताइए जो पार्शली ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, तो कौन सा प्लांट है, हो गया वो पिक्चर प्लांट। मैंने बताया था ना आपको पिक्चर प्लांट कैसा होता है, ऐसा होता है, उसकी बहुत सारी रूट्स होती है, जैसे हमारा हैंड है, ठीक है, उसमें जब कोई भी इंसेक्ट आता है तो उसे वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है, उसके बाद उसको फूड एडेड एज ए फूड चेंज कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो क्या आंसर हो गया, द प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉप इज पिक्चर प्लांट। देन द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। कौन सी पोर्स होती है जिनके थ्रू जो लीव्स होते हैं अपनी गैसेस एक्सचेंज करती है, मैंने बोला था ना आपको, बताया था पीछे, तो कौन सा क्या आंसर होगा इसका, स्टोमेटा। ठीक है, लीव्स में होती है ये, ठीक है, तो गैसेस उसकी एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। क्या करने हैं हमें, फोर दिए गए हैं, हमें उनमें से एक टिक करने हैं करेक्ट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन, कैस्किटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शंस देखिए, ऑटोट्रॉप, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप, होस्ट। तो क्या होगा, कैस्किटा किसकी एग्जाम्पल है, पैरासाइट की, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज, सॉरी, कैस्किटा इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, हाँ राइट। नेक्स्ट इज ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन, द प्लांट विच ट्रैप्स द फीड एंड ऑन इंसेक्ट्स इज, ऑप्शन है कैस्किटा, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट। मैंने आपको बोला था ना कौन सा प्लांट ट्रैप कर लेता है अपनी फीड को, जब भी उसका इंसेक्ट कुछ भी फीड आती है तो उसे ट्रैप कर लेता है, तो कौन, क्या आंसर हो गया, थर्ड वन इज पिक्चर प्लांट। इन सब के मैंने आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, सभी के आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए।